हम लोग एक वीडियो देंगे, देखेंगे कि इस तरह का प्रतिरोधों का संयोजन अगर दिया हुआ है तो इसमें जो प्रश्न में पूछा जाता है उन राशियों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यह प्रश्न इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न जो है स्वयं में लगातार कई वर्षों यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और एकदम एक जैसे कि एक ही प्रश्न में कई प्रकार के थियरी को जोड़ के रखा गया है। लगभग आपके वैद्युत वाले पाठ से, क्लास 10 में वैद्युत वाले पाठ से जितना भी कुछ है लगभग सब कुछ जो है इस अकेले प्रश्न में सम्मिलित है, इसलिए भी ये प्रश्न जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में देखिए क्या क्या है। परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहला ए और बी के बीच मध्य, ए और बी के मध्य प्रतिरोध, बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहला प्रश्न है, उसका मान ज्ञात करना है। दूसरा, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की धारा आई इसका मान निकालना है। तीसरा है ए और बी के बीच विभवांतर, और चौथा प्रश्न इसी में है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से फिगर को देखेंगे तो ये कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें जो नाम दिए हुए हैं, 2 नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, 2 नाम अपने पास और जोड़ लेंगे हम लोग, सी और टी, तो प्रश्न को लगाने थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आप इसके पहले भाग को हल करने जा रहे हैं, तो पहले भाग में यहाँ ध्यान से देखिए कि चतुर्भुज की भुजा पे 4 प्रतिरोध, 2, 1, 2 और 4 उनके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसमें से यह प्रतिरोध जो है AD से होके फिर DB की तरफ जा रहा है, और दूसरा प्रतिरोध जो है, दूसरा तरीका जो है AC से CB की ओर है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्रतिरोध जो है सिरे क्रम में होते हैं। जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे पे, एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे पे दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं क्या, सिरे क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑफ द रेजिस्टेंस। और जब प्रतिरोधों को सिरे क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए आप लिखोगे कैसे, चूँकि AD तथा DB भाग का प्रतिरोध किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध मतलब AB और AD और DB का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध को हम मान लें अगर R1 इस AB AD और DB के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध मान लें कितना, R1, तो इसका मान हो जाएगा 4 और 2 ओम को जोड़ देंगे 6 ओम। ये 6 ओम हो गया AD और DB का कुल मान। इसी प्रकार AC तथा CB में जुड़े में श्रेणी क्रम लिख दीजिए, यहीं पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ये R2 होगा और ये हो जाएगा 2 ओम और 1 ओम मिल के हो जाएगा ये 3 ओम। अभी तक हम लोग क्या निकाले, अभी तक निकाले हम लोग इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। अब इन इसके जगह पे हम लोग 6 ओम का प्रतिरोध रख दें तो वही काम करेगा जो ये दो प्रतिरोध मिल के कर रहे हैं। इसी प्रकार यह 2 और 1 ओम का प्रतिरोध हटा के इनके जगह पर 3 ओम का प्रतिरोध रख दिया जाए तो ये 3 ओम का एक प्रतिरोध वही काम करेगा जो ये दो प्रतिरोध मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद अब यह प्रतिरोध 6 ओम का और ये प्रतिरोध 3 ओम का एक साथ जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में, तो
इस पूरे ADB और ACB आपस में समानांतर क्रम में माना जाएगा, और इस प्रकार इस A और B के बीच में कुल प्रतिरोध निकालना हो तो इसको समानांतर क्रम में मानते हुए काम करेंगे। इसलिए A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध RAB लिख देते हैं इसको, RAB रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, RAB तुल्य प्रतिरोध RAB हो तो क्या हो जाएगा। इस RAB का मान निकालने के लिए अब हम लोगों को समानांतर क्रम के प्रतिरोध का सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो इसका मान जो होता है 1/R1 और प्लस 1/R2, इसमें मान को रखेंगे तो 1/6 और 1/3, 6 और 3 का LCM 6 हो जाएगा, 1 और 2 ये हो जाएगा 3/6, 1/RAB का मान हो गया 1/3, यानी कि RAB का मान हो गया 3 ओम, यानी कि चारों प्रतिरोध मिलकर कितना प्रतिरोध बना रहे हैं, कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना हो रहा है, तो कुल प्रभावी प्रतिरोध हो रहा है 3 ओम का। ठीक है, तो हम लोगों को पहला काम यही करना था, A और B के मध्य प्रतिरोध निकालना था, और यहाँ पे निकल गया कि A और B के मध्य कुल प्रतिरोध कितना हुआ, 3 ओम। पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब इसके दूसरे प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के दूसरे भाग के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रश्न का दूसरा भाग परिपथ की धारा, परिपथ की कुल धारा निकालने के लिए हम लोगों के पास ओम का नियम है, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ भी विभव है स्रोत का दिया हुआ 10 वोल्ट, आई है परिपथ की धारा, इसका मान निकालना है, आर है परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर अभी तक जो हम लोग निकाले हैं वह है इस A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 3 ओम, इसके बाद भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे 3 ओम का, तो हम लोगों को अब इस प्रतिरोध को भी इसमें सम्मिलित करके कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो अब ध्यान से देखिए कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो इन चारों प्रतिरोधों को हटाकर एक 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया जाए, तो वह 3 ओम का प्रतिरोध, यह 3 ओम का प्रतिरोध वही काम करेगा जो ये चार प्रतिरोध मिलके करेंगे। अर्थात यहाँ पे एक प्रतिरोध हो गया कितने ओम का, 3 ओम का, और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है 3 ओम का, तो यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में फिट हो जाएगा। तो अब दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग करेंगे, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध अब नहीं बचा है इसलिए हम लोग इसको लिख ले रहे हैं आर, और इसका मान क्या होगा, तो RAB और प्लस 3 ओम, ये वाला इसका तुल्य प्रतिरोध, और ये एक अलग से जो प्रतिरोध जोड़ा गया 3 ओम का, ये जोड़ देंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 × 3 अर्थात 6 ओम। अब हम लोग के पास फार्मूला है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R, V का मान है 10 वोल्ट और इसका मान है 6, और इसको हल करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 2/3 एम्पियर। तो परिपथ की कुल धारा हो गई 5/3 एम्पियर। ये दूसरा प्रश्न सॉल्व, वो पहला हो गया 3 ओम, दूसरा हो गया 2/3 एम्पियर। फिर कह रहे हैं A और B के मध्य विभवांतर, प्रश्न का तीसरा भाग है A और B के मध्य विभवांतर। तो A और B पूरे परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है, तो पूरे परिपथ की धारा है 5/3 एम्पियर, और इसका कुल प्रतिरोध कितना है, तो इसका कुल प्रतिरोध है 3 ओम। तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, तो तीसरे प्रश्न में A तथा B के बीच विभवांतर VAB बराबर कितना होगा, I × RAB, इस A और B के बीच कुल प्रतिरोध
और इसी प्रतिरोध में हम लोग आई आई मतलब 5/3 और आर ए बी मतलब 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5 वोल्ट। तो इस ए और बी के बीच विभवांतर हो गया 5 वोल्ट। ये प्रश्न का तीसरा भाग है। और प्रश्न का जो चौथा भाग है, इस चौथे भाग को भाग में क्या दिया है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो इस प्रश्न को आप मौखिक भी लगा सकते हैं या लिखित भी लगा सकते हैं कि अब इसके सिरों के बीच का विभवांतर आपको निकालना है। तो धारा का मान हम लोगों को पता है 5/3 एम्पीयर, प्रतिरोध दिया है 3 ओम, तो 3 ओम के 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ये विभवांतर जो है सीधे सीधे हो जाएगा आई आर के बराबर, आई का मान है यहाँ पे निकला होगा 5/3 और गुणे 3 एम्पियर की, वो 3 ओम का इसका प्रतिरोध है, ये हो जाएगा फिर 5 वोल्ट। इसको मौखिक भी निकाल सकते हैं क्योंकि कुल विभव 10 वोल्ट, 5 वोल्ट का विभव पतन जो है ए और बी के बीच हो जा रहा है, तो 10 में से 5 वोल्ट यहाँ खर्च हो रहा है, तो बचा हुआ विभव है 5 वोल्ट। तो इससे 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर जो है यही 5 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में सब कुछ सम्मिलित है, तो इस प्रश्न को करिएगा। लोग कई लोग इस प्रश्न को पूछे थे, और भी जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको कमेंट से पूछिए, तो फिर आपको आगे वो प्रश्न बताया जाएगा। ओके।